अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप लोगों को पता है अभी क्या हुआ है? अभी जब मैं वीडियो बना रही थी, मुझे वीडियो बीच में छोड़नी पड़ी है, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड्स का मैसेज आया है कि भाई तुम्हारे हो चुके हैं 8 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, जो कि आप लोग के बगैर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप लोगों का कंटिन्यूसली सपोर्ट रहा है। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, आइडियाज़ देते रहे हैं, रिक्वेस्ट वगैरह करते रहे हैं, जिससे नए नए आइडियाज़ आते रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रही। वरना गाइस ट्रस्ट मी, अगर हम किसी को सपोर्ट नहीं करते ना, तो बहुत जल्द वो इंसान हिम्मत हार जाता है। तो थैंक यू सो 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 मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग के बगैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस टाइम मेरी YouTube फैमिली 8 लाख लोगों पर कंपोज करती है, जो कि पूरी दुनिया से हैं और हर एज के हैं और हर जेंडर के हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, जिसको कि IF भी कहा जाता है। तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि आप इसको कौन सी विंडो होती है जिसमें आपने फास्टिंग करनी है, कौन सी विंडो है जिसमें आप नॉन फास्टिंग करोगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि जब आप फास्टिंग में होगे तो आप क्या खा सकते हो क्या नहीं, और जब आप नॉन फास्टिंग में होते हो तब आप क्या खा सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे इसके फायदों की, फिर नुकसान की, और एंड पर मैं आपको बताऊंगी वो कौन लोग हैं जो कि ये नहीं कर सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग IF जिसको कहते हैं, ये कोई डाइट प्लान नहीं है, बल्कि इसमें आप थोड़े पार्ट के लिए नहीं खाते और थोड़े पार्ट के लिए खाते हो, तो उसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस होता है। और अगर आपको फैट लॉस का मसला है कि फैट लॉस नहीं हो रहा, फलां फलां जगह पर फैट है जो कि लूजिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, अब इसको करते लोग किस तरह से हैं? एक तरीका तो ये होता है कि एक दिन आप फास्टिंग करोगे, एक दिन आपका होगा नॉन फास्टिंग, एक दिन फास्टिंग होगा, एक दिन होगा नॉन फास्टिंग। नॉन फास्टिंग में आप दिन में कुछ भी खा सकते हो जो हेल्दी होता है, ठीक है। और जो आपका फास्टिंग होता है उसमें आपने करनी होती है 18 घंटे की फास्टिंग, या 14 घंटे की फास्टिंग, या 12 घंटे की फास्टिंग, और जो बाकी घंटे रह जाते हैं वो आपके नॉन फास्टिंग आवर्स होते हैं। ये हो गया। दूसरा जो तरीका है और जो ज्यादा कॉमन है, उसमें है जी 18 घंटे आप फास्टिंग करते हो, 6 घंटे में आप खाते हो। अच्छा, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए 18 घंटे भूखा रहना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं कि 12 घंटे फास्टिंग कर लेते हैं और 12 घंटे की विंडो रखते हैं जिसमें वो खाते हैं। इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो और इंटरमीडिएट लेवल पर हो, तो आप 14 घंटे की फास्टिंग कर लो और आप 10 घंटे में खाओ। उसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट से थोड़ा सा ऊपर हो, तो 18 घंटे जो कॉमनली है, 18 घंटे की फास्टिंग जिसमें आपने कुछ नहीं खाना, और 6 घंटे होगा जिसमें आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ करोगे। ये हो गया। तो इसमें अब आप अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को सामने रखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि आप 12:12 करोगे, या फिर 14:10 करोगे, या 18:6 करोगे, ठीक है। अगर आप फास्टिंग में हो तो आप जो चीजें कंज्यूम कर सकते हो उसमें आ जाता है वाटर, जितना मर्जी पियो, आपको हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा आप पी सकते हो जी ब्लैक कॉफी, इसी तरह से आप ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक टी पी सकते हो बगैर चीनी और बगैर क्रीम या दूध के। इसके अलावा आप डिटॉक्स वाटर पी सकते हो। डिटॉक्स वाटर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और यहां पर भी आपको उसका लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा आप बोन ब्रॉथ, यानी कि हड्डियों का जो शोरबा बनाते हैं ना, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हो। और फास्टिंग के दौरान जो आप चीजें नहीं यूज कर सकते, एक तो आपने किसी भी किस्म की शुगर यूज नहीं करनी, क्योंकि इसका जो मकसद होता है ना इस डाइट का, वो है कि आपके इंसुलिन लेवल को, आपके ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। तो अगर आप शुगर यूज करते हो या कोई भी मीठी चीज यूज करते हो, तो आपका इंसुलिन एकदम से यहां चला जाएगा। तो शुगर आप यूज नहीं करोगे, किसी भी किस्म की आप क्रीम यूज नहीं करोगे, मिल्क आपने यूज नहीं करना, इसी तरह से किसी भी किस्म का आप फैट्स वगैरह यूज नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को आदत होती है कि हम लोग चलो फ्लेवर्ड जूस ले आते हैं, या फिर हम लोग जो है फ्लेवर्ड कॉफी ले आते हैं, कोल्ड कॉफी ले आते हैं, बाहर की कोई चीज आप नहीं यूज करोगे। इसी तरह से आप अगर फ्रेश जूस बाहर का लाते हो, वो भी आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। और लास्टली बुलेट कॉफी, जिसमें ये होता है कि कॉफी में आप लोग स्पून भर के डाल देते हो जी मक्खन का, बटर का, तो बुलेट कॉफी भी आप यूज नहीं करोगे। ये हो गया। उसके बाद जब आप फास्टिंग से हट के नॉन फास्टिंग पर आते हो, तो उसमें आपने शुरू करना है पानी के ग्लास से, उसके बाद आपने
प्रोटीन से भरपूर, जिसको आप अपना ब्रेकफास्ट कहोगे, प्रोटीन से भरपूर आपने लेना है, जिसमें आप ले सकते हो अंडा, चिकन, फिश, कुछ भी। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो पनीर, दालें, चने, इस तरह से कुछ भी, ठीक है। इसके साथ आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हो, ब्राउन रोटी खा सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। दोपहर में भी जो आप रेगुलर खाना खाते हो आप वही खाओगे। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि रात को भी आप जो खाना खाते हो खाओगे, लेकिन जो चीज़ का आप ध्यान रखोगे वो ये है कि एक तो आपने किसी भी किस्म का फैट यूज नहीं करना। अगर आपने यूज करना है, ऑलिव ऑयल यूज करो, देसी घी यूज करो, ठीक है, या बटर यूज करो, लेकिन बाकी जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह होते हैं, कुकिंग ऑयल होते हैं, वो आप यूज नहीं करोगे। इसी तरह से बेकरी की चीजें हो गई, बाहर से मीठी चीजें हो गई, रस, केक, डोनट्स, ये चीजें आप यूज नहीं करोगे। ये आपका हो गया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि ये आपकी बॉडी डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह जिन लोगों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, जैसे कि जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, या वैसे ही अगर आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हैं, तो उनके लिए आईएफ बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से जिन लोगों को इंसुलिन का प्रॉब्लम है, या फिर उनको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है कि शुगर लेवल हाई रहता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से कहा जाता है कि अगर आईएफ को ज्यादा टाइम के लिए यूज किया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज को भी ये रिवर्स करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। फिर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो लोग थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए आईएफ करते हैं, उन्होंने बताया है कि उनमें एक तो उनकी जो है मेमोरी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल्स अक्सर जो स्पेशली बच्चों के बाद या थोड़ी सी एज जब ज्यादा हो जाती है तो भूलने लगती हैं चीजों को। तो अगर आप आईएफ करते हो तो एक तो मेमोरी में काफी इंप्रूवमेंट फीमेल्स ने बताई, उसके अलावा कंसंट्रेशन, किसी भी चीज पर ध्यान देके कोई काम करना, वो लोगों में काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखिए जी, कोई भी आप जब अपनी जिंदगी से हटके कुछ करते हो ना, तो उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये है कि आपको पता है कि मुसलमान भी जब रोजा रखते हैं तो हम लोग को होता है कि यार रोजा खोलो और हम ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं। तो इसमें भी इसी तरह से बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आपको होती हैं। इसके साथ ही ये है कि लोगों को जैसे ही वो फास्टिंग के स्टेज से हटते हैं, जो हाथ में आता है खा लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप आईएफ करना चाहते हो तो आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि हमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इसी तरह से बहुत से लोगों को सर दर्द वगैरह का मसला होता है, बीपी लोगों का लो कर जाता है। इसी तरह से बहुत से लोगों को इरिटेशन सी होती है, गुस्सा आया रहता है, कुछ लोग जो है ध्यान नहीं दे सकते अपने काम पे। तो ऐसा अगर आपके साथ है, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते, तो ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, आपने पहले अपनी बॉडी की सुननी है। और आप 18 to 6 करने के बजाय आप 12 आवर्स की फास्टिंग कर लो, 12 आवर्स नॉन फास्टिंग के लिए रख लो। 12 आवर फास्टिंग में ये अच्छी बात है कि 7 से 8 घंटे तो आप वैसे ही नींद में आपके चले जाएंगे। उसके बाद जब आप जागोगे या रात को सोने से पहले जो घंटे होंगे वो आप, वैसे भी आपको पता है 8-9 बजे लोग कहते हैं खाना खाना बंद कर दो, तो आजकल इस तरह की रूटीन है कि लोग 12-1 बजे सोते हैं, तो वो 4 घंटे आप बगैर कुछ खाए और फिर उसके बाद नींद में, तो 12 घंटे तो आपके इसी में गुजर जाएंगे। तो जब आपकी बॉडी थोड़ी सी यूज्ड हो जाए इस चीज की, उसके बाद आप अपना टाइम बढ़ा के कर सकते हो 18 by 18 to 6, ठीक है। तो ये होगी डिसएडवांटेजेस। अब हम देख लेते हैं वो कौन लोग हैं जो कि आईएफ नहीं कर सकते। तो देखें जी, अगर तो आप अंडरवेट हैं, आप आईएफ नहीं करोगे। उसके अलावा अगर आप less than 18 हैं तो आप आईएफ नहीं करोगे। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं, आप आईएफ नहीं करेंगी। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स आईएफ नहीं कर सकती। और लास्टली अपनी बॉडी की सुने, अगर आपको किसी भी किस्म की, आप मेडिकेशन पर हैं जिसमें आपको हर 4 से 5 घंटे के बाद दवाई खानी पड़ती है, या फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप फास्टिंग नहीं कर सकते, या आप श्योर नहीं हो कि मैं फास्टिंग करूं या नहीं, तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से एक दफा जरूर पूछ लें, अपने डाइटिशियन से जरूर पूछ लें, और उनके कंफर्म करने पर आप आईएफ स्टार्ट करें। और लास्टली थैंक यू सो 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 मच वंस अगेन कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज मैं और आप 800K की यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं। तो यहीं पर आज की वीडियो खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।